का स्कूल का नाम बताइए और आपका क्या पता है? हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय बिचला है, जो कि उत्कृष्ट योजना के तहत चयनित है। नाम क्या है अपना? मेरा नाम विजय प्रकाश है, कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में दायित्व निभा रहा हूँ। सर, जो आपका स्कूल है, इसमें कितना नामांकन है बच्चों का? इस समय 71 नामांकित है। 71। और टीचर कितने हैं? अध्यापक यहाँ 6 पोस्टेड हैं, एक प्रधान अध्यापक का जो पद है वो खाली चल रहा है। तो एक अध्यापक के कितने बच्चे हैं? लगभग आप देखो 12 से 13। गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है तो नामांकन बहुत कम है, क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये छोटी ढाणी है, जिसकी अगर आप आबादी देखें तो लगभग 400 के आसपास आबादी है और 150 के आसपास इसमें घर हैं। उनमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ आर्मी की नौकरी में हैं, तो जो जॉब में है वो अपने बच्चे साथ रखता है, तो इसलिए नामांकन की समस्या काफ़ी गंभीर है। तो हमने ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जो सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ें? इसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने की, उसमें उनको जो मापदंड हैं उनको कठोर करना चाहिए। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनके किसी भी प्रकार के मापदंड पूरे नहीं हैं, फिर भी उनको मान्यता दे रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रभाव पड़ रहा है राजकीय विद्यालयों पर। देखो, गवर्नमेंट सारा खर्चा खाने का भी, टीचर का, कर्मचारी जो भी है, बच्चों पर बहुत खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी इतने पैसे? जैसे अभी इसी स्कूल में आप बता रहे हो 7 कर्मचारी है जो टीचर है और बच्चे 70 है, तो समय तो उतना ही लगता है, आपको समय तो उतना ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसके बारे में आप देखिए, हमारा राज्य सरकार का भी यही निर्देश है, हमारा भी यही प्रयास है नामांकन को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब नामांकन जितना उपलब्ध है उसके लिए तो हम भी प्रयास कर सकते हैं, इससे अधिक तो बताइए अब क्या करें। अच्छा, इसमें क्या क्या और समस्या है जो अपने बच्चों के लिए? समस्या तो श्रीमान इसमें ऐसी कोई विशेष तो नहीं है, कुछ राजकीय इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ शायद हमारी भी कमी रही होगी, बाकी धीरे धीरे जिस हिसाब से प्रयास हो रहे हैं उसमें सुधार काफ़ी हो रहा है। तो मैम, आप बताओगे स्कूल जो अपने गवर्नमेंट है उसका विकास कैसे किया जाए? गवर्नमेंट किसका? जैसे सरकारी स्कूलों का विकास कैसे बढ़े? जो गवर्नमेंट जो योजना चला रही है वो अच्छी है, थोड़ा सा और प्रोत्साहन दे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में गरीब तबके के बच्चे ही आते हैं, जिनके पास पैसे वो तो भेजते नहीं इसमें स्कूलों में। तो अपने ये जो कर्मचारी होते हैं उनके भी तो बच्चे प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, हाँ? तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर, वो तो मेंटेलिटी अपनी अपनी, और इसमें तो फिर हर एक आदमी को अपने अंदर से सुधार लेके आना होगा। हम किसी और को नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालिए, ये अपना मतलब अपना फ़र्ज बनता है कि अपने अंदर क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो इसके बारे में तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर आज मैं यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मेरे बच्चे प्राइवेट में जाए, तो फिर यही होगा कि साथ वाले यही सोचेंगे कि इनके खुद के बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, इसका मतलब ये टीचर है और सरकारी स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाती है, मतलब प्रभाव तो यही पड़ेगा। और आजकल ये होता है कि सरकारी नाम, जॉब तो चाहिए सरकारी, लेकिन स्कूल अगर सरकारी हो गया, सरकारी नाम सुन के उनको लगता है कि सरकारी, मतलब एक वर्ड हो जाता है ना कि सरकारी, तो वो थोड़ा नीचा सा लगता है। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके नाम थोड़े, नाम से भी आजकल एक फ़र्क पड़ता है, तो मतलब सरकारी स्कूलों के भी नाम ना कुछ थोड़े से हटके होने चाहिए ताकि अलग अलग नाम दिए जाए। तो उनकी सोच को कैसे हम बढ़ावा दे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े और प्राइवेट से कम हो? सर, सोच तो बस यही है कि जहाँ मतलब जागरूकता, अब जागरूकता पे करना पड़ेगा प्रयास, क्योंकि जितने भी अब इसी गांव की बात ले लेते हैं, या किसी माँ बाप को मेरे ख्याल से कोई एक दो परिवार होंगे जिनको थोड़ी बहुत चिंता होगी कि यहाँ से अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उनको चेक करना चाहिए कि मतलब टीचर के बारे में चेक करना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। वो यहाँ से जाने के बाद शायद वो पता नहीं इनका बैग वैग खोल के देखते भी या नहीं, कि उन्होंने कॉपी भी चेक नहीं करते होंगे, उनसे एटलीस्ट पूछते भी नहीं होंगे कि आज आपने क्या पढ़ा, या फिर पढ़ने की तो छोड़ दीजिए, आज के टाइम में बच्चों को नहीं, माँ बाप को बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा आपके साथ स्कूल में क्या क्या कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई है, मतलब ये चीज़ आज के टाइम में ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते माँ बाप, फिर बाद में कुछ कहानी हो जाती है तो वो बड़ी बन जाती है, तो मतलब हर छोटी छोटी चीज़ आज के टाइम में ज़रूरी है।
तो ये वाली चीज़ें है। और पढ़ाई की रही बात तो वो तो माँ बाप के ऊपर है, उन्हें भी थोड़ा सा, क्योंकि अकेला टीचर कुछ नहीं करता। आप यहाँ जो स्कूल में आ रही हो कितने किलोमीटर दूर से आपकी? लगभग 15 किलोमीटर है। तो सरकारी स्कूल के बारे में मैम आप कुछ कहना चाहते? मैडम ने कहा तो दिया सब। नहीं, फिर भी आपका क्या विचार है स्कूल को कैसे बढ़ावा मिले? सर एक तो ये है कि यहाँ पर थोड़ी सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज थोड़ी कम है, तो इसलिए माँ बाप भी थोड़ा वो करते हैं ना, तो भाई लाइट वाइट की ना फोर्थ ग्रेड की सुविधा, सफाई वफाई कौन करे? सफाई कर्मचारी लग रहे? हाँ लग रहे। नहीं है आपके स्कूल? फोर्थ ग्रेड नहीं है, फोर्थ ग्रेड नहीं है आपके सर। तो आपने फिर शिक्षा विभाग से नहीं बोला? सर कर्मचारी तो होना चाहिए, सफाई कर्मचारी ये तो होना तो चाहिए, अब वो तो वही सरकार जाने, अब हम तो क्या करें। सभी स्कूलों में है? हाँ नहीं, नहीं है सभी स्कूलों में। तो सर ये फैसिलिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए सरकार को, इसलिए। थैंक यू, जो आपका विचार हमने सुना।